तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं जीईसी बिलासपुर की। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जीईसी से रिलेटेड मैंने 5 वीडियो बना दिए हैं, तीनों जीईसी के रिव्यू, साथ में बेस्ट जीईसी आउट ऑफ 3 और प्राइवेट वर्सेस जीईसी के ऊपर। साथ में इस वीडियो के जितने भी डाटास को मैंने जो इकट्ठा किया है वो एलमनीस के रिव्यू, साथ में जो साइट्स मेरे को देखने को मिले इंटरनेट में उनसे, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने जितने भी स्टेट्स हैं उनको तैयार किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट को कंसिडर किया है, तो इस वीडियो से आपको एक पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाने वाली है। तो इस वीडियो को अच्छे से पूरी तरीके से देखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम अब जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस कॉलेज का जो NIRF रैंकिंग है वह 273 और करियर 360 रैंक जो है वो है 4A, जो एक एवरेज सा रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि 10 आउट ऑफ 6 है, वैसे ही ये 4 जो A है वो आपको देखने को मिलेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट जो इसका हुआ था वो 1964 में, कैंपस एरिया जो है वो है 180 अप्रॉक्स एकड़ का, मतलब 179 एकड़ का। कॉलेज जो टाइप है वो टोटली गवर्नमेंट है, और ये जो कॉलेज है वो AICTE ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और NBA दैट मीन्स नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन से एक्रीडिएटेड है। ये आप मान सकते हैं ये एक ऐसी संस्था है टेक्निकल कॉलेजेस के फैसिलिटीज और सारे ओवरऑल कॉलेज को रिव्यू करती है। तो इसमें एक्रीडिएटेड होना या एफिलिएटेड होना एक काफ़ी अच्छी बात है। तो अब लोकेशन की बात करें तो ये जो कॉलेज है वो कोनी बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा, जो कि कोरबा रोड में स्थित है। और इस कॉलेज से आपको अगर जो रेलवे स्टेशन की दूरी देखने को मिलेगी वो है 10 किलोमीटर्स के आसपास, और जो पास का आपको एयरपोर्ट जो देखने को मिलेगा जो कि बिलासा एयरपोर्ट है उसकी दूरी आपको 20 किलोमीटर्स के आसपास देखने को मिलेगी। तो ये जो जंक्शन है, जो बिलासपुर जंक्शन है, वो जो है मुंबई हावड़ा रेलवे जो रूट है उसमें का एक मुख्य जंक्शन है। जो ट्रेन हावड़ा से मुंबई की ओर जाती है वो वाया बिलासपुर ही होकर जाती है, तो ये एक मेन रूट की तरह काम करता है। तो इस जगह से आप कहीं भी आ जा पाएंगे आसानी से। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो जिस जगह पर कोनी के लोकेटेड है वो एक काफ़ी लस ग्रीन एरिया में आता है, मतलब वहाँ पर काफ़ी कुछ ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे पेड़ हैं। इवन कॉलेज की जो कैंपस है उसके अंदर भी आपको कई सारे पेड़ देखने को मिलेंगे। पीसफुल एक एरिया है, साथ में कोनी विलेज के अंदर आता है, तो काफ़ी आपको शांति देखने को मिलेगी यहाँ। और तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो कॉलेज है वो अप्रॉक्स 180 एकड़ में फैला हुआ है, और इस कॉलेज में आपको 2 एकेडमिक और 1 एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग देखने को मिलेगा। और उस एकेडमिक बिल्डिंग में एक जो एकेडमिक बिल्डिंग है उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और माइनिंग के, और दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच के जो क्लासरूम्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और सारे जो क्लासरूम हैं वो स्मार्ट क्लासरूम हैं और सफिशियंट अमाउंट में हैं। साथ में इस कॉलेज में आपको लाइब्रेरी की सुविधा भी दी जाती है, और लाइब्रेरीज भी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, क्योंकि इस लाइब्रेरी में मेरे को एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं पता बुक्स की, बट इस लाइब्रेरी से आपको सारे बुक्स मिल जाएंगे। साथ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहीं से ही बुक सारे इशू कराते हैं। लैब्स जो हैं वो भी वेल इक्विप्ड है, आपको सारे जीसीस में जितने भी लैब्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारे जीसीस में वेल इक्विप्ड है, बस जो टेक्नीशियंस की थोड़ी कमी हो जाती है। अब इस कॉलेज के बात करें, जैसे कि बिल्डिंग्स की बात करें, तो एक नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है कि इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 60s में हुआ था, मतलब लेट 60s में हुआ था। तो आप ये बोल सकते हैं कि इस कॉलेज में जो एकेडमिक बिल्डिंग्स है उनमें कई दरारें आ चुकी हैं, और वो दरारें मतलब काफ़ी बड़े अमाउंट में हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। पर तीनों GECs में टेक्यूब 3 के प्रोग्राम के थ्रू नए बिल्डिंग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इस कॉलेज में भी आपको कुछ ही सालों में ये नए बिल्डिंग प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इस कॉलेज में आपको स्पोर्ट फैसिलिटीज़ के नाम पर एक इंडोर और आउटडोर कोर्ट भी देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में यहाँ पर अभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के पॉइंट में चर्चा करूँगा। और इस कॉलेज में आपको बढ़िया हॉस्टल देखने को मिल जाएगा, साथ में एक कैंटीन भी है जो कि हाइजीनिक आपको देखने को मिलेगा, एवरेज सा है पर हाइजीनिक है। अब स्पोर्ट फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ जो आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा वो एक एवरेज एटमॉस्फेयर है, आपको इंडोर आउटडोर दोनों फील्ड आपको मिल जाएंगे, कोर्ट भी मिल जाएंगे, पर ये एक कन्वेंशनल स्टेडियम की तरह नहीं है, चारों ओर बैरिकेड नहीं लगे होंगे, एक ओपन एरिया आपको मिल जाएगा, फील्ड मिल जाएगा जहाँ पर आप अपना सारे गेम्स की प्रैक्टिस, साथ में गेम्स को जो एनुअल जो फेस्ट होता है उसको भी कंडक्ट करा पाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस, ये सारे हॉल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन ये जो हॉल्स हैं वो जो एकेडमिक बिल्डिंग, जो पुराने एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं उन्हीं को बना दिया गया है, जहाँ से आपको एक एवरेज इंडोर कोर्ट की सुविधा मिल जाएगी।
अब यहाँ पर एक प्रवाह नाम का एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है जो कि 3-4 दिनों का होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा स्पोर्ट मीट नहीं होने वाला। इस कॉलेज में जो स्पोर्ट फैसिलिटीज हैं उसके हिसाब से स्पोर्ट का जो एटमोसफियर है वो एक एवरेज है। एवरेज मतलब यहाँ से बच्चे नेशनल या इंटरनेशनल, इंटरनेशनल तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, नेशनल या स्टेट खेलने नहीं जाने वाले। साथ में इस कॉलेज में एक बहुत बढ़िया बात है कि इस कॉलेज का जो स्पोर्ट फेस्ट का जितने भी किट्स या जैसे कि बैट यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसके जो सारे एक्सपेंसेस कॉलेज बियर करती है, उसके लिए एक दो एप्लीकेशन आपको बस लिखने पड़ेंगे। अब अगर हम बात करें कोर्सेज ऑफर्ड की, तो इसमें आपको दो कोर्स बीटेक और एमटेक देखने को मिलेगा। जब अगर हम ब्रांचेस को देखें तो यहाँ पर आपको मैकेनिकल में 40 सीट, इलेक्ट्रिकल में 40 सीट, सिविल में 20, कंप्यूटर साइंस में 40, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन 40, माइनिंग में 20 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में 40 सीट्स देखने को मिलेंगे, जो कि बीटेक के हैं। अब एमटेक की बात करें तो इसमें आपको थर्मल इंजीनियरिंग भी देखने को मिल जाती है, जिसकी सीट कैपेसिटी आपको 18 की मिलने वाली है। अगर हम टीचर्स की बात करें, अब टीचर्स या फैकल्टीज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक कॉलेज में जाने पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको टीचर्स कैसे मिलने वाले हैं, उनकी जो स्क्रीनिंग हुई है वो कैसी हुई है। तो जो टीचर्स, या आपको एकदम एक्यूरेट डाटा चाहिए तो उसके लिए आप कॉलेज के साइट में जाकर देख सकते हैं कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं या कौन कौन से टीचर देखने को वहाँ मिलेंगे। तो अगर हम अब फैकल्टीज को देखें तो जितने भी कोर ब्रांचेस हैं वहाँ आपको 50% फैकल्टीज देखने को मिलेंगे परमानेंट, और जो नॉन कोर हैं उसमें आपको 10% परमानेंट फैकल्टी देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ यही एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि यहाँ जो कोर और नॉन कोर के जो टीचर्स आपको जो रेशियो देखने को मिलेगा वो काफ़ी अजीब सा है। बहुत कम आपको परमानेंट फैकल्टीज देखने को मिलेंगे, और जो नॉन परमानेंट फैकल्टीज हैं वो आपके वही टीचर्स होंगे जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई करके कुछ साल कहीं से जॉब का एक्सपीरियंस लिया है या तो फिर कहीं छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस लिया है। साथ में यहाँ के जो एलमनीस हैं वही आपके टीचर बन जाते हैं, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है, और वो अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको एक अच्छा नॉलेज वो नहीं दे पाएंगे। पर जितने भी टीचर्स आपको परमानेंट मिलेंगे वो वेल क्वालिफाइड है, उनकी जो स्क्रीनिंग हुई है, उनकी जो रिक्रूटमेंट हुई है टॉकअप 3 के थ्रू हुई है, और यहाँ एक और बात है कि वो जितने जो टीचर्स यहाँ आते हैं रिक्रूटमेंट लेकर, वो सारे टीचर्स की एमटेक पहले से हुई होती है, वो भी रेपुटेटेड आईआईटी से एनआईटी में। साथ में वो एमटेक करने के बाद पीएससी क्रैक करके यहाँ आते हैं, तो इसीलिए यहाँ के जो टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे वो वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड मिलेंगे जितने भी परमानेंट फैकल्टीज से हैं वो एटलीस्ट। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वो है फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सस्ता है, आपको ज़्यादा पैसे यहाँ पर नहीं स्पेंड करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको 4 साल पढ़ाई करने के लिए टोटल 72,000 लगना है, 18-18 का पर ईयर लगना है, तो ये ज़्यादा पैसे आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, और पैसे के हिसाब से पढ़ाई काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और जो गर्ल्स को यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली, मोस्टली अगर उनको फीस देना भी पड़ा तो 1-2 हज़ार वो किस में देते हैं, अपने एडमिशन के टाइम देते हैं, तो उसके अलावा उनको ज़्यादा फीस यहाँ पर देनी नहीं पड़ेगी। वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस, इन केस अगर देने पड़ते भी हैं सालाना तो बहुत बहुत ही नॉमिनल चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो अगर लेटरल एंट्री की बात करें तो वैसा ही, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो एडमिशन लेते हैं तो उनका भी 18-18-18 लगना है, जैसे कि 56,000 सालाना, 56,000 पूरे कोर्स का आपको लगने वाला है। आपको यहाँ जितने भी 80% स्टूडेंट जो जीसीएस में पढ़ते हैं उनको स्टिपेंड की भी सुविधा प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर वो ओबीसी या एसटीएससी से रहते हैं तो आपको मैं इसको स्टिपेंड वाले सेक्शन में अच्छे से समझाऊंगा। अब अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको यहाँ 5 हॉस्टल देखने को मिलेंगे, 2 हॉस्टल 100-100 की कैपेसिटी वाले, और 2 जो गर्ल्स हॉस्टल आपको देखने को मिलेंगे वो 65 और 100 की कैपेसिटी वाले। साथ में यहाँ पर जो आपको हॉस्टल एरिया प्रोवाइड कराया जाता है उसमें आपको एक बहुत ही अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। हर हॉस्टल के सामने आपको एक स्टेडियम, एक फील्ड आप बोल लीजिए, स्टेडियम नहीं, एक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। साथ में कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने भी आपको एक फील्ड बहुत बड़ा देखने को मिलने वाला है। आपको हर हॉस्टल में सेपरेट रीडिंग रूम, जिमनेजियम, टीवी रूम और हर डाइनिंग हॉल मेस के साथ प्रोवाइड करा दिया जाता है। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे हॉस्टल्स के, जो वार्डन होंगे, वो फैकल्टी मेंबर्स ही रहने वाले हैं, परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स ही यहाँ के रहने वाले हैं। साथ में इसके अलावा केयरटेकर या मैट्रॉन की सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाएगी, जो आपके मैनेज करेंगे डे टू डे अफेयर्स को लेकर। तो अब अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें तो वो भी काफ़ी नॉमिनल है, 2,000 आपको पर मंथ, 1,500 से 2,000 के बीच में आपको देना पड़ेगा। साथ में आपको उस फी में क्या क्या इंक्लूडेड है वो आप देख लीजिए, वो है मेस, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, 24x7 सिक्योरिटी, वीकली ट्रांसपोर्टेशन। तो अब इस वीडियो में मैं हर एक पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी से कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। भले 20 से 25 मिनट की वीडियो अगर बन जाती है फिर भी इसे पूरा देखिएगा, ताकि आप इस
कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी रख सकें। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह देखने को आपको मिलेगी कि हॉस्टल इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल द बीटेक स्टूडेंट्स। हॉस्टल किसी के लिए भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर आप रहना चाहते हैं तो रहिए, नहीं रहना चाहते तो आप पीजी वीजी रेंट कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड डिस्काउंट। हाँ हाँ, यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि आपको हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो इसको मैं स्टूडेंट वाले सेक्शन में एक बार और समझा दूंगा। बाकी आपको यहाँ डिस्काउंट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है अगर आप ओबीसी या एसटीएससी के स्टूडेंट हैं तो। नो मैंडेटरी यूनिफॉर्म्स की कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं है, आप अपने सिविल ड्रेस में जा सकते हैं। स्टूडेंट आर फ्री टू रेंट पीजी। हाँ, जैसे कि मैंने भी बताया, किसी भी दूसरे हॉस्टल से आप पीजी में रह पाएंगे फ्रीली। अब अगर हम यहाँ पर एडमिशन की बात करें तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलने वाली। आप ट्वेल्थ में केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स लेकर पास करिए, वो भी कम्युलेटिव, उन तीनों सब्जेक्ट का परसेंट जो है वो 45% से ऊपर होना चाहिए जनरल के लिए और 40% से ऊपर होना चाहिए एसटीएससी ओबीसी के लिए और पीडब्ल्यू वालों के लिए भी। तो आप फिर इस कॉलेज में एडमिशन आराम से ले लेंगे, बशर्ते आपने सीजीपीटी या जेई मेंस दिलाया हो। अब एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम आपको वही सीजीपीटी देना पड़ेगा, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट सीजी का, या तो फिर आपको जेई मेंस देकर आप भी यहाँ एप्लीकेबल हो पाएंगे एडमिशन लेने के लिए। अभी यहाँ का जो कोटा सिस्टम है वो इंडिया का जो कोटा सिस्टम है वो एप्लीकेबल नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए स्टेट कोटा आपको मिलता है, कुछ सीटें अलग से रिजर्व रहती हैं छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल वालों के लिए, छत्तीसगढ़ के नेटिव के लिए। तो अगर आप यहाँ के नेटिव हैं तो आपको कुछ सीटें आपके लिए रिजर्व मिल जाने वाली हैं। अब लेटरल एंट्री की बात करें तो लेटरल एंट्री के लिए भी आपका जो कॉलेज है, जो रिक्वायरमेंट है वो होने चाहिए आपके AICTE से एफिलिएटेड कोई कॉलेज होना चाहिए जहाँ से आपने डिप्लोमा की है। उसके बाद आपने उस कॉलेज में रहकर 3 सालों में जो टोटल परसेंट है वो आपके 50% से ऊपर होने चाहिए। उसके बाद आप इस कॉलेज के लिए काउंसलिंग में अपना टोकन डालते हैं, उसके बाद आप अगर शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो इस कॉलेज में आपको पढ़ने का एक मौका मिल जाने वाला है। और साथ में एक और बहुत बढ़िया बात है कि अगर आपने BSc की है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर, फिर भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं अगर आपके परसेंट 50% से ऊपर है, और सेम जो प्रोसेस होता है वो आपको यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। अब द स्टूडेंट दस एडमिटेड आर रिक्वायर्ड टू क्लियर फाउंडेशन सब्जेक्ट। हाँ, अब यहाँ पर अब एक बार आप एडमिशन यहाँ ले लेते हैं उसके बाद आपको एग्ज़ाम जितने भी कंडक्ट कराए जाएंगे उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, उसको आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद आप नॉर्मली जैसे कि हर बच्चा जो सेमेस्टर में प्रमोट होता है उसी की तरह आप भी प्रमोट किए जाएंगे। अब रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो रिजर्वेशन काफ़ी सही है यहाँ का। आपको छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए SC के लिए 12%, ST के लिए 32 और OBC के लिए 40% रिजर्व देखने को मिलेगा, और बाकी जो अनरिजर्व है वो 40% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एज जो है वो 30 ईयर्स है UR के लिए, मतलब जनरल, और 33 है ST, SC, OBC फीमेल PWD के लिए वाले के लिए। तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देखने को मिलेगा, इनकम सर्टिफिकेट जैसे कि अगर आप ST, SC, OBC से बिलोंग करते हैं, साथ में अगर आपका आय कम है तो आप इनकम सर्टिफिकेट यहाँ शो करके स्टिपेंड ले पाएंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आप जहाँ से आए हैं किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ के आए होंगे तो उसके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आप जानते हैं किस लिए लगेगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप लिया है तो माइग्रेशन आपको स्कूल कॉलेज से मिल जाएगा, वहाँ आप इसको लाकर यहाँ पटक दीजिए। आधार कार्ड आपको लगने वाला है, 10-12 का मार्कशीट और स्कोर कार्ड, अगर आपने जेई मेंस दिलाया है तो जेई मेंस का, सीजीपीटी का अगर दिलाया है तो सीजीपीटी का स्कोर कार्ड यहाँ पर आपको लगने वाला है। फिर उसके बाद आता चीज है कट ऑफ की बात, 2018 का कट ऑफ मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, तो उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। जो स्कोर्स हैं सीजीपीटी के और उससे रिलेटेड जो ब्रांचेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इसका जो सोर्स है जहाँ से मैंने इसको लिया है वो collegedunia.com से। अब लेबोरेटरी की अगर बात करें तो आपको सारे GCs में वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज देखने को मिलेंगे रिस्पेक्टेड टू देयर ब्रांच। अब एक लेबोरेटरी में सारे इक्विपमेंट होने के बाद ही हर चीज़ नहीं हो जाता। अगर आपके अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छे टेक्नीशियंस नहीं है तो आपको सीखने को वहाँ नहीं मिलने वाला। तो बस वही बात सारे GCs में एक कॉमन सी बात आपको नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगी कि सारे GCs में आपको लैब तो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं पर उसके बाद आपको अच्छे टेक्नीशियंस नहीं देखने को मिलते जिससे कि आप एक अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकें। तो इस पर GC को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे कि वो बच्चों को एक अच्छा नॉलेज दे पाएंगे। अब अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है हर GC में, इसी GC में नहीं, हर GC में बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, क्योंकि जनरल के जो बच्चे हैं वैसे भी जनरल वालों को पहले भी नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिलेगा। तो जनरल आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, मतलब स्कॉलरशिप तो उनको मिलता नहीं। हाँ, अगर आप EWS से हैं तो फिर आपको मिल सकता है। आप
पांच ब्रांच ओपनर्स में से आते हैं, रिस्पेक्टेड टू देयर ब्रांच। अगर आप पांच ब्रांच ओपनर में से एक हैं तो आपको जरूर फी कंसेशन, टोटल फी कंसेशन, मतलब आपके कोर्स के लिए पूरा फीस नहीं लगने वाला। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको 21,000, नॉन क्रीमिलियर के हैं तो 21,000 पर ईयर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फीस 18,000 है, आपको मिलता है 21,000, मतलब आप कमा ले रहे हैं, तो उससे और बढ़िया बात और क्या हो सकता है। एसटीएससी के लिए 25,000, तो बहुत बढ़िया बात है भाई। अब एक यहाँ पर एक अजीब सा पॉइंट है, मेरे को समझ नहीं आता, हॉस्टल में बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं या हॉस्टल में बच्चे अगर जाते हैं रहने के लिए, तो ओबीसी वालों को 24,000 पर ईयर मिलेगा। मतलब आप हॉस्टल में रहने भी जाइए, आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप भी मिलता है, तो ये मेरे को इसका सिनेरियो समझ नहीं आता। और एसटीएससी के लिए 28,000 है, तो बढ़िया बात है भाई, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं अगर आप एसटीएससी या ओबीसी के हैं तो, अगर आपको पैसा कमाना है तो। अब अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो सच्चाई में अगर आपको इस कॉलेज की बताऊं तो एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी नहीं होती, आपको एक्सपोजर ज़्यादा नहीं मिलने वाला। स्टार्टअप इंडिया एटमॉस्फियर जरूर है, जिसके थ्रू आप पिछले अगर 2 सालों को देखें तो काफ़ी बच्चे स्टार्टअप के आइडिया को अपना रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनके थ्रू उनको थोड़ी बहुत फंडिंग भी हुई है और उसके थ्रू अपना स्टार्टअप बिल्ड करने की कोशिश की है। पर एक बार बिल्ड होने हो जाने के बाद वो ज़्यादा आपको मदद नहीं करते हैं, और जो स्टार्टअप एटमॉस्फियर है वो एक एवरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरे कॉलेज में तो वो भी नहीं देखने को मिलता, लेकिन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एक प्रवाह नाम का स्पोर्ट मीट भी कंडक्ट कराया जाता है कॉलेज में हर साल एक बार, तो उसके थ्रू आप एक एटमॉस्फियर देख पाएंगे गेम्स का साल में एक बार, कुछ दिनों के लिए, हफ्ते भर के लिए या 15 दिनों के लिए। कॉलेज क्लब्स, तो कॉलेज क्लब्स बहुत सारे यहाँ नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर है, इसलिए मैंने नो लिख दिया है। आपको ज़्यादा एक्सपोजर वैसे भी नहीं मिलने वाला। वर्कशॉप बहुत कम होते हैं, जिसी बिलासपुर में वर्कशॉप बहुत कम होते हैं, आप मान लीजिए कि महीने में एक आध बार हो गए तो बहुत बड़ी बात है। टेक फेस्ट, कौशलम नाम का एक टेक फेस्ट है जो कि इंजीनियरिंग टेक कॉलेज के टेक फेस्ट की तरह आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाला, आपको लगेगा कि आप किसी अजीब सी जगह पर एनुअल डे को फंक्शन अटेंड करने आए हैं। कोई एक्सपोजर नहीं, कोई बड़ी बात यहाँ के टेक फेस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगी, एवरेज एकदम बिलो एवरेज मैं बोलूँगा 3 दिनों का होने वाला है। एनसीसी के भी यहाँ पर कुछ एटमॉस्फियर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब एलमनी की बात करें तो तीनों जीसी की बात मैं करूँगा, एक जीसी की नहीं, तीनों जीसी की। एलमनी मीट यहाँ पर बिल्कुल ही गंदा, मतलब एटमॉस्फियर जो है सीनरियो है बहुत ही गंदा है, कोई एलमनी से आपको ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं कराया जाएगा। इवन ये एलमनी मीट भी मुश्किल से एक आध साल में एक आध बार कराते हैं, और जितने भी एलमनी यहाँ से निकल के गए हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते एक्चुअली। अगर कॉलेज की जो अथॉरिटी है वो उनको बुलाएगी नहीं, इनवाइट नहीं करेगी, तो वो भी बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, तो जो इंट्रैक्शन है बाकी बच्चों का एलमनीज के साथ वो काफ़ी आपको अच्छा देखने को नहीं मिलने वाला यहाँ। अब अगर प्लेसमेंट की बात करें तो सच्चाई ये है कि तीनों जीसीज में प्लेसमेंट कहीं आपको अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। बिलासपुर जीसी में या रायपुर जीसी में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, जगदलपुर में वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो तीनों जीसीज में प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत कम कंपनीज आती है। रायपुर जीसी में तो आ भी जाती है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं आती, और जो आती है वो भी कोर कंपनीज की आती है, वो भी बहुत कम। तो आती भी है तो बहुत कम बच्चों को उठा कर लेके जाने वाली है। देखिए मेरे पास डाटा भी नहीं है यहाँ पर शो करने के लिए, इसका मतलब समझ सकते हैं कि ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर विजिट तो करती नहीं है। तो अगर आप किसी कॉलेज में आकर वहाँ से पढ़कर बस निकलना चाहते हैं, डिग्री लेकर निकलना चाहते हैं, और आप अच्छा नहीं करते कि वहाँ से आपका प्लेसमेंट हो, तो इस कॉलेज में आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इस कॉलेज में आपका प्लेसमेंट का चांस बहुत कम है। और जो कंपनी आएगी वो भी कोर ब्रांचेस के लिए आती है, नॉन कोर के लिए तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो सच्चाई यहाँ की ये है कि जीसीस में आपका प्लेसमेंट बिल्कुल ही एक अच्छा प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलने वाला। इवन कॉलेज में हर साल 20-20 करोड़ का फंड आता है, फिर भी यहाँ के जो कॉलेज की अथॉरिटी है वो भी साथ नहीं देती, इवन इंट्रैक्टिव भी नहीं है। तो अब प्लेसमेंट के बारे में एक अच्छा सिनेरियो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, जो कि सच्चाई है। तो अब अगर हम इस कॉलेज के एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कि जो बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेता है वो तीन ही वजह से आएगा, ठीक है। तीन ही तरह के बच्चे यहाँ पर जनरली एडमिशन लेते हैं। कौन कौन से बच्चे? एक बच्चा वो है जो अपने मन में ये सोचकर आता है कि उसको जीसी में एडमिशन लेना है। एक बच्चा वो है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उसको कम फीस में इंजीनियरिंग करनी है, तो वो बच्चा यहाँ आता है। भले उसके लिए भी उसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि जीसी मिलना बहुत आसान तो नहीं है। प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएंगे, पर जीसी बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। साथ में जो थर्ड रीज़न है कि कई बच्चों का स्कोर अच्छा आ जाता है
फिर स्कोर आने के बाद, अच्छा स्कोर आने के बाद वो क्या सोचते हैं कि काश उनको जीसी में एडमिशन मिल जाती, तो ऐसे टाइप के बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं सकते हैं। अब जो फोर्थ रीज़न है वो है जो गेट और अदर एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो फोर्थ ईयर वाले बच्चों को जरूर कराया जाता है, वो भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। फैकल्टीज आर फ्यू बट वेरी हाँ, अब देखिए फैकल्टी आपको कम देखने को मिलेंगे लेकिन जितने भी हैं वो बहुत नाइसली एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजफुल रहने वाले हैं, तो उसका भी आपको एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आपको फ्री में बुकें प्रोवाइड किया जाता है, जितने भी बुक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं, और जब तक लेना चाहे जब तक रखना चाहें आप रख पाएंगे। ग्रीवेंस सिस्टम, ग्रीवेंस सिस्टम का मतलब है कि आपके दिमाग में या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसका समाधान ग्रीवेंस सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। आप पोर्टल में जाकर अपना इशू लिख सकते हैं, वहाँ से आपका समाधान करने की कोशिश की जाती है कॉलेज अथॉरिटी के द्वारा। तो अब देखते हैं डिसएडवांटेज, तो वेरी फ्यू प्लेसमेंट, मतलब ना के बराबर प्लेसमेंट है। एक्सपोजर इज़ वेरी लो, जैसे कि मैंने बताया कि कोई जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी अच्छी नहीं देखने को मिलती यहाँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर वेरी पैथेटिक, मतलब वही एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी नहीं देखने को मिलेंगी। इवन टेक फेस्ट को भी एनुअल डे की तरह मनाया जाता है, इंजीनियरिंग डे, मतलब आप एक एवरेज सा सिनेरियो यहाँ पर देख पाएंगे। कॉलेज अथॉरिटी इज़ नॉट दैट गुड एज दे हैव टू बी, मतलब वही कि इंट्रैक्टिव नहीं है। आप मदद लेने जाएंगे तो जितने भी जो करंट के फैकल्टी हैं जो जिनका रिक्रूटमेंट नया नया हुआ है वो तो इंट्रैक्टिव हैं, पर जो पुराने हैं वो आपको इंट्रैक्टिव नहीं देखने को मिलेंगे, थोड़े खड़ूस टाइप के हैं। यहाँ पर बात आती है कंक्लूजन की, तो अगर आपको NIT या IIT या तो IIIT नहीं मिलता तो इस कॉलेज को आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका रैंक CGPAT में अच्छा गया तो इस कॉलेज को आप चूज़ कर सकते हैं, या JEE मेंस के थ्रू भी आप ले सकते हैं। पर आप ये मान के चलिए कि आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं होने वाला, ना के बराबर आपको प्लेसमेंट देखने को मिलने वाला है। साथ में टीचर का भी जो आपको जो एक एटमॉस्फियर मिलेगा वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलने वाला। तो आपको इकोनॉमिकली पढ़ाई करनी है बहुत नॉमिनल फैसिलिटीज़ के साथ तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। साथ में ये एरिया जो है जहाँ ये कॉलेज आपको देखने को मिलेगा वो भी एक अच्छे एरिया में है, तो उसके लिए भी आप यहाँ आ सकते हैं। अब अगर हम मेरे रैंकिंग की बात करें, मेरे वर्डिक्ट की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको कंक्लूजन दे दिया है, और मेरे रैंकिंग की बात करें तो मैं इसको B+ का रैंक देना चाहूँगा। जैसे कि ये एक एवरेज कॉलेज है तो मैं इसको B+ का ही रैंक देना चाहूँगा। तो इसी तरह के आपको आगे भी इस चैनल में वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। अभी मैंने बता दिया आपको 5 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया GCSE के ऊपर, साथ में छत्तीसगढ़ के डिफरेंट कॉलेज के भी रिव्यू आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। और ये जो मैंने GCSE के बारे में बताया, ये सारे GCSE के बारे में एक कॉमन सा रिव्यू भी आपको देखने को मिलेगा। आप वीडियोस को दूसरे GCSE के भी जाकर देख सकते हैं, पर अब ये थोड़ा सा कॉमन सा रिव्यू आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और बहुत सारी बातें ऐसे भी हैं जो बातें मैंने तीनों GCSE के जो बेस्ट ऑफ GCSE वाले वीडियो पर क्लियर की है, तो उस वीडियो को भी जरूर जाकर देख लीजिएगा अगर आप एडमिशन यहाँ लेना चाहते हैं। तो धन्यवाद।